नाथेश्वर धाम में आज भी साक्षात ईश्वर करते हैं शिव की पूजा। नाथ संप्रदाय का है ये मंदिर। देवानी देव महादेव के शिवालयों की बात की जाए तो पूरे देश में कई स्थानों पर देखने को मिलेंगे, मगर संगम नदी प्रयागराज में कुछ ऐसे शिवालय हैं जो पुराणों में वर्णित होने के साथ साथ अलौकिक और दैविक शक्तियों से परिपूर्ण है। प्रयागराज में कुछ ऐसे शिवालयों की चर्चा हम करेंगे, जिनमें से एक शिवालय नाथेश्वर धाम है। इस शिवालय की सबसे खास बात यह है कि जब सृष्टि की रचना की जा रही थी उस वक्त नाथ संप्रदाय की ओर से ये शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित की गई थी। इस मंदिर में स्थापित की गई शिवलिंग की स्थापना किसी मनुष्य द्वारा नहीं हुई थी। इस मंदिर की दीवारों में मुगल कालीन कलाकृति भी देखी जा सकती है, जिसको देखने से लगता है कि मुगल काल के समय इस मंदिर को बनवाया गया हो। इस मंदिर की एक चमत्कारिक बात यह भी है कि शिवलिंग को स्पर्श करने के बाद यहाँ मंदिरों में लगी खिड़कियों पर लोग अपनी मन्नतें मांगकर ताले को बंद करते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद ताले को खोलते हैं। इस मंदिर में हजारों ताले आज भी बंद होते हैं और खुलते हैं। हालांकि ये मंदिर अब यहाँ के महंत की देखरेख में है, जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। इस मंदिर में प्रतिदिन संध्या आरती के साथ साथ पूजन अर्चन किया जाता है। साथ ही लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस मंदिर में रुद्राष्ट आदि करते हैं। महाशिवरात्रि को देखते हुए इस मंदिर में पहले से सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मंदिर में भव्य आरती का आयोजन भी किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इस मंदिर की खासियत। महन जी, क्या खासियत है इस मंदिर की, हम जानना चाहते हैं आपसे। ये मंदिर आरकंडा चौराहे पर डॉक्टर के पी जसवाल इंटर कॉलेज के सामने गली के अंदर है। ये मंदिर नाथों के द्वारा स्थापित की गई ये शिवलिंग है। मंदिर का इतिहास ये किसी को नहीं पता है। ये मंदिर देव से पहले ये नाथों के द्वारा स्थापित की गई ये शिवलिंग। कितनी पुरानी मंदिर है ये मंदिर का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन मंदिर निर्माण जो हुआ होगा करीब 500-600 साल पहले का ये निर्माण हुआ है। लेकिन जो शिवलिंग की खासियत है वो नाथों के द्वारा स्थापित की गई है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, न कोई बताने वाला इस दुनिया में है। मंदिर के बारे में बताते हैं, यहाँ कुछ दैविक शक्तियाँ भी हैं आती हैं, क्या है मंदिर में? यहाँ सारी शक्तियाँ हैं। ये इलाहाबाद की सबसे ताकतवर मंदिर है, क्योंकि यह देवी शक्तियाँ भी हैं, नाथों की ये गद्दी है। इस मंदिर की ये खासियत है। और कोई विशेषता इस मंदिर की? और ये विशेषता ये है कि ये मंदिरों में यहाँ जो ढेर सारे यहाँ ताले बने हुए हैं, इसकी क्या क्या खासियत? ये मन्नत के ताले हैं। जिन लोगों को कोई मनोकामना होती है वो हम लोगों के पास आते हैं, हम लोगों के माध्यम से संकल्प लेके हम लोग उसका मन्नत पूरी कराते हैं। मंदिर के द्वारा उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो ये ताले बंधे रहते हैं या खुलते भी? नहीं, ये ताले बंधे रहते हैं। जो आदमी जो मन्नत मांगे रहता है ताला खोल के अपनी विश को पूरी करता है, उसके बाद अपने ताले को ले जाता है। आप यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ महाशिवरात्रि पर्व को लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही है? जैसा कि आप जान रहे हैं, आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस मंदिर में लगभग सभी भक्तों के द्वारा सम्मिलित होकर 501 लीटर दूध का संकल्प किया गया है, जिससे बाबा का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद 501 लीटर दूध से उनका अभिषेक करके तत्पश्चात विशाल आरती एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। रोज यहाँ मंदिर की आरती का क्या सिस्टम है? रोज संध्या आरती का आयोजन समिति के द्वारा लमसम 7:30 से 8 के बीच में बाबा का स्नान ध्यान श्रृंगार करके संध्या आरती एवं प्रसाद वितरण प्रतिदिन चलता रहता है। क्या नाम है आपका? शुभम द्विवेदी, इस मंदिर के पुजारी। हम यहाँ के निवासी हैं और बचपन से हम लोग इस मंदिर को देख रहे हैं। इस मंदिर में बहुत ही महानता है, बहुत ही काम सबके पूरे हुए हैं। कोरोना काल में भी यहाँ पूरे शहर में क्या पूरे विश्व में लोगों ने बहुत बहुत मौतें हुई, लेकिन एक ऐसा मोहल्ला था यहाँ किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जो भी यहाँ मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। क्या नाम है आपका? विद्योत्मा शुक्ला। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।